हाय हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल माइंड यू स्मेल में, जहां हम परफ्यूम मेकिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और महक रहे होंगे। मेरा नाम है निखिल गडयोग और मैं रिप्रेजेंट करता हूं ब्रांड माइंड यू स्मेल को। तो आज हम जो बूस्टर बनाएंगे वो बनाएंगे हम डिवडॉफ कूल वाटर का, ठीक है। इसका क्लोन आपके पास होगा उम्मीद है, किसी ऑथेंटिकेट डिस्ट्रीब्यूटर या किसी ऑथेंटिकेट इंसान से खरीदेंगे। लोगों ने मुझसे पूछा था हम इसको पहचाने कैसे कि असली है नहीं है, तो दो तरीके हो सकते हैं। या तो आपने वो यूज किया हो ओरिजिनल डेविडॉफ, तो आप उसकी खुशबू को पहचान सकते हैं, ठीक है। सेकंड होता है कि आपने जिससे परचेज किया है वो ऑथेंटिकेट हो, वो जेन्युइन माल सेल आउट कर रहा हो, तो आप उससे वहां से वो पहचान सकते हैं। इसके और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो एक सवाल और पूछा था कॉन्सेंट्रेशन का, 30% 70%, इसमें लोग कंफ्यूज हो गए। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने 100 ml का परफ्यूम बनाना है तो उसमें 30% आइडियल आज की डेट में ईडीपी में चलता है 30% ऑयल और 70% आपका एल्कोहल, तो जाके 100 ml का एक परफ्यूम बॉटल तैयार हो जाता है, ठीक है। आपने जो बूस्टर डालना है वो आपने ऑयल कॉन्सेंट्रेशन में लेस करना है। मान लीजिए आपने 30% में बनाना है, तो जैसे हम 25% ऑयल लेते हैं और 4.5% हम बूस्टर डालते हैं, तो ये हो जाता है 29.5%, ठीक है। उसी तरह अगर आप 20-80 बना रहे हैं तो 20 में से आपने 17% ऑयल डालना है और 3% बूस्टर डालना है। आपने अल्कोहल में से कम नहीं करना। अगर आप बहुत ज्यादा डाल देने के बाद 30 ml आपने अपना ऑयल डाल दिया और उसके बाद 4.5 ml आपने बूस्टर डाला, तो उसमें ये होगा कि वो ऑयली बहुत ज्यादा हो जाएगा। और बहुत ज्यादा ऑयली होने से क्या होगा कि जो व्हाइट कपड़े या जो लाइट कलर के कपड़े हैं उस पर वो स्टेन छोड़ सकता है ऑयल, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 25 ml और 4.5 ml एक आइडियल रेशो है। तो आप भी अगर बनाएं तो उसी तरह बनाएं, बाकी आप ट्राई कर सकते हैं किसी और भी तरीके से, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, बीच बीच में हम करते रहेंगे बातचीत, ठीक है। आज हम बनाएंगे कूल वाटर का। ये हमने ले लिया मेजरिंग स्केल, इसको कर दिया ऑन, हमने रखा इसमें बीकर, टैप दबा के इसको हमने कर दिया जीरो, ठीक है। सबसे पहले हम ले रहे हैं हिलिनॉल। ये एक एक्वेटिक जितने भी तरह की खुशबू हैं उनको बहुत अच्छी तरह फिक्सेटिव है, उनका बहुत अच्छा फिक्सेटिव है हिलिनॉल। तो हम ये लेंगे 0.5 ml। तो एक सवाल लोगों ने और मुझसे पूछा था कि ये आप ग्राम में बना रहे हैं, हम इसको जो है ml में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं, ये होती है पिपेट, 3 ml की पिपेट होती है। तो ये 3 ml ऐसे निकाला और 1.5 ml ऐसे निकाला, आपका हो गया, ठीक है। बहुत इजी होता है ये, और इसको फिर फेंक देंगे, इसको दोबारा यूज नहीं करेंगे, ठीक है। या फिर आप इस तरह की ड्रॉपर वाली बॉटल्स ले लीजिए, ये 1 ml की होती है, इसके अंदर जो ड्रॉपर होता है वो 1 ml का होता है। आप एक भर देंगे पूरा तो ये 1 ml चला जाएगा, ठीक है। बड़ा भी आता है इसमें ड्रॉपर, तो इस तरह के ड्रॉपर आप ले सकते हैं, तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। या फिर आप एक स्केल आता है जिसमें ml में भी बताते हैं, वो थोड़ा हायर रेंज का हो जाता है, आई थिंक 3,500-4,000 रुपए का वो आता है। अगर आप वो ले सकें तो वो और अच्छा है, अगर आप ले सकते हैं, मुझे जरूरत नहीं पड़ी इसलिए, मेरे पास ये थे तो मैंने इसलिए नहीं लिए, ठीक है। तो हमने डाल दिया इसमें हिलिनॉल। अब हम डालेंगे इसमें लायराल। लायराल हम कितना डालेंगे, हम डालेंगे 1 ग्राम। ये हमने हिलिनॉल डाला था हमने 0.5 ग्राम, ये हम डालेंगे 1 ग्राम, ठीक है। एक ग्राम उसके बाद हम क्या डालेंगे, उसके बाद हम डालेंगे इसमें पॉलीसेंटॉल। पॉलीसेंटॉल एक सैंडल का है, सैंडल को फिक्सेटिव है, तो ये जो हमारे कूल वाटर है उसको बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट देता है। तो ये भी हम डाल देंगे 0.5 ग्राम्स, ठीक है, ये भी हमने डाल दिया। फिर उसके बाद हम एक डालेंगे DHM, डिहाइड्रोमर्सोलिन, वो हम डालेंगे 0.5 ग्राम, ठीक है, 0.5 ग्राम हम ये भी डाल देंगे इसमें।
स्टार्टिंग में आपको ऐसा वाला लेना पड़ेगा भाई जिसमें एक एक ड्रॉप का फर्क पड़ता रहे, एक एक ड्रॉप को आपको उसको बताएगा कि भैया ये एक ड्रॉप गई है इसमें कितना वेट हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम डालेंगे सिट्रिनॉल, जो हमने या तो आपको हमने जब रोज का बनाया था रोज में हमने डाला सिट्रिनॉल, ये भी हम डाल देते हैं 1/2 ml या कम डालते हैं, 2.5 ही रहने देते हैं, ठीक है। ये हमने डाल दिया 2.5 ml, सॉरी 25 ग्राम, 0.25 ग्राम्स, आधे ग्राम का भी आधा, ठीक है, 0.25 ग्राम्स। मैं कई बार 2.5 ग्राम बोल देता हूं, वो फ्लो में हो जाता है, ठीक है, लेकिन होता है 0.25 ग्राम्स, आधे ग्राम का आधा, 1 ग्राम का 1/4 पार्ट, ठीक है। और इसके बाद हम डालेंगे गैलेक्सोलाइट। गैलेक्सोलाइट आपको अगर पता हो तो जो गैलेक्सोलाइट है वो एक लॉन्ड्री टाइप की मस्क की खुशबू आती है, और मस्क के बिना कोई परफ्यूम बनता नहीं है, लेकिन इससे परफ्यूम पे हार्म ना हो इसलिए मैं यहां पे गैलेक्सोलाइट डाल रहा हूं, ठीक है। हम डालेंगे 1 ml गैलेक्सोलाइट, ठीक है, 1 ml हमने डाल दिया गैलेक्सोलाइट, ठीक है। और हम क्या डालेंगे, और इसके अलावा हम डाल रहे हैं रोजमेरी ऑयल, ठीक है, ये रोजमेरी ऑयल है, सॉरी रोजमेरी ऑयल, रोजमेरी ऑयल हम डालेंगे 3 ड्रॉप्स, ठीक है, 1, 2, 3। ध्यान रखिएगा ये बहुत स्ट्रांग होता है, ज्यादा मत डालिएगा, अगर आप ज्यादा के चक्कर में पड़ गए तो ये आपका परफ्यूम खराब भी कर सकता है, ठीक है। तो इसको हम कम डालेंगे, ये सिर्फ एक तरीके को कि निखारने के लिए उसको डाला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम डाल रहे हैं कोरिएंडर ऑयल, कोरिएंडर ऑयल धनिए का, जो कि कूल वाटर की जान बनेगा, ठीक है, ये हम डालेंगे 5 ड्रॉप्स। ये भी बहुत हार्ड होता है, इसको भी ज्यादा ध्यान से, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये हम डाल रहे हैं 5 ड्रॉप्स। उसके बाद हम डाल देंगे लिनालॉल, ठीक है, लिनालॉल डालेंगे हम, कितना डालेंगे, ये लिनालॉल जो है हम इसमें एज़ा हम ब्लेंडर ले रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको डालेंगे 0.10 ग्राम। अगर इस पे विंग स्केल पे देखिए 3 ड्रॉप आती है, ठीक है, या आपका अगर डिपेंड करता है इसके ऊपर, 1, ठीक है, ये आपके इस पे डिपेंड करता है, 2, 3, ठीक है, ये 3 ड्रॉप हमने ये भी डाल दिए लिनालॉल, ठीक है। उसके अलावा हम क्या डालेंगे, टॉप नोट को एकदम से खींच के बाहर निकालने के लिए हम डालेंगे टी लेमोनिन, डी लेमोनिन कितना डालना है हमने, 0.25 ग्राम डाल देते हैं, डाल दिया हमने डी लेमोनिन, ठीक है। तो ये हमारा एक बूस्टर तैयार हो गया कूल वाटर के लिए, ठीक है, और वही हमने इसको उठाया और इसको हमने मिक्स कर लिया अच्छे से, 5 मिनट तो आपको एटलीस्ट करना पड़ेगा इससे, नहीं तो फिर वही आप इसको बॉटल के अंदर, ये देखिए ये भी दूधिया सा हो गया, ठीक है, तो बॉटल के अंदर डाल के और फिर आप इसको हिला सकते हैं, और 1 दिन के लिए आप इसको स्टोरेज कर दीजिए रेफ्रिजरेटर में, और फिर 19 डेज आप इसको कूल एंड डार्क प्लेस पर रख दीजिए, 20 दिन बाद आपका बूस्टर तैयार हो जाएगा बनके, ठीक है। उसके बाद आप इसको अपने परफ्यूम में डालिए, उसको मिच्योर करिए और एक लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम यूज कीजिए। तो ये था हमारा कूल वाटर का, फिर किसी ऑयल का बूस्टर बनाएंगे, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू।